गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे वीकेंड, छुट्टी के दो दिन। यार मुझे क्या है कि संडे से बेहतर मुझे सैटरडे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि संडे शुरू होते ही एक फीलिंग आता है कि कल से काम वापस शुरू। सो एनीवे संडे कल है, आज का तो दिन है अपने पास। तो मिलता हूँ एक कॉफ़ी ब्रेक के बाद, मतलब मैं कैसे कॉफ़ी बनाता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो मेरे साथ कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो गाइस कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट रेडी है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, और मैं हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ कुछ मेरे फेवरेट डेली यूट्यूबर्स हैं, डेली व्लॉगर्स हैं, उनके व्लॉग देखता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे बहुत सीखने को मिलता है उनसे कि भाई ये देखो मुंगस, ये देखो क्या 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 दो है। मुंगस होती दोन, हाँ तिकड़े। तो अभी नीचे आया हूँ नहीं बाबा, मला फोन द्या ना तुमचा, आता रेकॉर्ड करायचं आहे, कारण मला आता मी गच्चीवर वर्कआउट करतोय। मेरी माँ बहुत कैमरा शाय है, इसलिए वो कैमरे पे नहीं आना चाहती। तो ठीक है, उसका प्राइवेसी का उसके रिस्पेक्ट करते आए। तो अभी बर्पीज करने के लिए मैं घर के छत पर आया हूँ, अपने टेरेस पर। और ये देखो चंदा मामा ने, सूरज मामा ने अभी अभी दर्शन दिए हैं। लगता है आज काफ़ी पसीना आने वाला है। पहले तो 10 मिनट पहले धूप नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो चलो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मेरा ये फ़ोन है, ये फ़ोन जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ उस पर मेरे फिटनेस टाइमर से, और मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ मेरे डैड के फ़ोन से। तो शायद क्वालिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पर कुछ अभी तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ सहलो थोड़ा यार, सहलो। गाइज वर्कआउट डन, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, पर शायद इवनिंग में सोचूंगा एक 100 बर्पीज और मारते हैं। चलो व्हेन यू हैव फ्री टाइम डू बर्पीज। तो गाइज इसे बोलते हैं रुकी मिस्टेक। जब मैं बर्पीज मार रहा था तो मैं मेरे डैड के फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो क्या हुआ, सब ख़त्म हुआ, वर्कआउट वगैरह ख़त्म, और जब मैंने फाइल ट्रांसफ़र करना शुरू किया तब उनके फ़ोन में जो प्रॉब्लम हमेशा आता है कई सारे फ़ोनों में, वही आया कि नॉट इनफ स्टोरेज। तो मैं करता रहा ट्रांसफ़र, फिर भी ट्राई करता रहा, हो नहीं रहा था कुछ। तो आखिर में गुस्से में आकर मैंने सारी फाइल्स डिलीट कर दी। लेकिन मैं शाम को मेरे इस फ़ोन से मैं 100 बर्पीज़ और मारूंगा सिर्फ आपके लिए, और दिखाऊंगा मैं। तो गाइस वेलकम बैक, अभी पहुंचा हूं घर के पास, एक जगह है वहां पर। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा कि बाहर कुछ जाके गेड़ी मार के आते हैं मोटरसाइकिल पे।
और आपको थोड़ा सा मेरे घर के पास का नेचर भी दिखाता हूँ। तो आओ चलो फिर एक गेड़ी मार के वापस घर चलते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है और पुलिस ने थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, तो इसलिए बहुत ही कम लोग हैं। मतलब पुलिस कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन हमें सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये वॉल्स, ये चीज़ें, ये पहले कुछ भी नहीं थी। मतलब मैं जब छोटा था यहाँ पर बहुत बार हम आते थे, और वहाँ पर एक बंगला था जिसे हम भूत बंगला कहते थे। जगह होंगी जहाँ पर लोग काफ़ी कम थे, क्योंकि अभी ये जो स्पॉट है वो पूरा फोटोग्राफी स्पॉट बन गया है। बहुत से लोग यहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, हालांकि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं काफ़ी। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा पूरा चेंज हो चुका है यहाँ पर। एक बार दिखाता हूँ, ये देखो बिल्डिंग्स, एक दो। तो चलिए मैं भी थोड़ा यहाँ पर साइलेंस का मज़ा लेता हूँ। थोड़ी देर टहलना हो गया, अभी ऑलमोस्ट बजे 4:30। तो घर जाकर नीरज चोपड़ा की मैच देखते हैं। और अभी ऐसा पता चला है, मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया कि बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीत गया है। सो हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर बजरंग पुनिया फॉर हिज। इस जेक रिपब्लिक के जैवलिन थ्रोअर पर सबकी निगाहें हैं, अगर ये कम डालता है तो मेडल पक्का है, गोल्ड। India won the gold. Yes, first gold. Gold. Yes. Yes. First gold. After 13 years. Yes. I'm still shivering. See, can you see the goosebumps? गोल्ड, नीरज चोपड़ा जियो। तो गाइज मैं वापस टेरेस पर आया हूँ, क्योंकि मैंने जैसे सुबह आपसे वादा किया था कि शाम को भी आपको 100 बर्पीज मार के दिखाऊंगा। तो लेट्स डू सम बर्पीज। तो गाइस अभी अभी फ्रेंड के घर से
वापस घर जा रहा हूँ। शाम को आया था मिलने के लिए और कुछ बातचीत ऐसी बातचीत में कुछ ऐसा रंग चढ़ गया कि काफ़ी मुझे व्लॉग करने का ध्यान में नहीं आया, तो पहले घर चलते हैं उसके बाद में मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। तो ये है मेरी मोटरसाइकिल, मेरे 11 साल के साथी। इसे स्टार्ट करते हैं, अभी भी पहले स्टार्टर में शुरू होती है, देखो आप क्या बात है। तो गाइस बैक होम और अभी आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। जैसे आप देख रहे होंगे मेरा हमेशा का एनवायरनमेंट, ये मेरा रूम। और आज का दिन तो यार सुपर सैटरडे है, बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा का गोल्ड दिन बना दिया बंदों ने। जैसे नीरज चोपड़ा ने दिन बना दिया वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी ज़िंदगी बना दो, ऐसी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो। और अगर आप चैनल पर आए हो, मेरा कंटेंट आप पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मेरे दूसरे ही चैनल के लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़। वो भी फिटनेस रिलेटेड चैनल है और उसमें मेरे हिसाब से मेंटल नहीं, फिटनेस तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है अपना फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है फिनेंशियल। तो तीनों स्लोली स्लोली मैं तीनों के ऊपर बात करूंगा। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, आपको मैं मिलूंगा कल इसी वादे के साथ। योर फिट ऋषि साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। खुश रहो एंड स्टे